ही गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैंने जो है आधा वीडियो रात में एडिट कर लिया था, बाकी थोड़ा बहुत बचा था उसे जो है सुबह मैंने एडिट कर लिया है। काम बहुत ही आराम से हो गया है और अपलोडिंग तो मैंने लगा दिया। स्पीड देखो कितनी अच्छी आ रही है, मतलब मैंने जब तक कैमरा उठाया उतनी देर में ही 36% जो है अपलोड हो गया। काम करने में तब अच्छा लगता है ना कि ये सब फंडे होते हैं कि जैसे अपलोडिंग की स्पीड में हो रही ना तो कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर जो है मैं 9 बजे से थोड़ा सा पहले भी एडिट कर लूँगा तो अपलोड फटाफट हो जाएगा। पहले तो क्या होता था ना, 50% अपलोड होने के लिए चाहिए आई थिंक 1 घंटे से कम में नहीं हो पाता था। पूरा वीडियो के लिए 2 घंटे अगर कभी फंस गया तो फिर कब होगा पता नहीं। तो बाय द वे 7:50 हो गए हैं और आज मुझे हरदोई कोर्ट के लिए भी निकलना है। तो अभी जो है जस्ट मैं सोच रहा हूँ थोड़ा बहुत ब्रेकफास्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में नहा लेते हैं। मतलब मैं सोच रहा हूँ कि अभी तो काफ़ी टाइम है, बट धीरे 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 ऐसा हो जाता है कि लास्ट टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़ा बहुत लेट हो गया हूँ। तो मंडे को तो जो है हमेशा ही मैं 11:30 से पहले कभी पहुँच ही नहीं पाता, 11:15, 11:30, 11:30। वरना जब हरदोई में होता हूँ तो मैं कोर्ट 10:30 पे आराम से पहुँच जाता हूँ। और आज का सीन ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी मैं जस्ट कोर्ट से आया हूँ, क्योंकि मंडे टू सैटरडे जो है कोर्ट में ही काम करना पड़ा और सिर्फ मुझे 1 दिन की छुट्टी मिल पाई है। बट मुझे जो है हमेशा 2 या 3 दिन से कम की छुट्टी मिले ना तो फिर मुझे मज़ा नहीं आता है। मैं सोचता हूँ कि हमेशा जो है मतलब फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन तो मिलने ही चाहिए बंदे को। 3 दिन में जो है आराम से आपको कभी बोरियत नहीं होगी किसी भी काम को लेकर। 2 दिन तो मिलने ही मिलने चाहिए किसी भी हालत में। अरे मैं तो आपको छत पे ढूंढ रहा था, आप तो यहीं मिल गए, इधर आओ। काम कहाँ पानी के लिए घूम रही हो? हाय, क्या है? और आलू और टमाटर को फ्रीजर से बाहर निकाल लिया गया, फ्रिज से, तो देखो इसमें पास कैसा पानी आ गया। बचा नहीं क्या? अरे उसी की बना देती। मनी ने इधर जो है दाल रख दी है, आई थिंक भाई दाल चावल आलू एक सब्जी वाले आए भी थे तो और चपाती बनेगी, क्योंकि सब्जी कोई भी है नहीं घर पे और मैं कल शाम को जो है लेट आ पाया था हम लोग, तो फिर सब्जी कुछ आ नहीं पाई। चलो जो भी बन जाए फटाफट खाते हैं, निकलते हैं उसे। आप टमाटर खाने में लगी हुई हो, वहीं रख के आओ, जाओ खराब मत करो, जाओ आ लाओ, दे दो वो भी, दे दो, जाओ रख दो आगे। ऐसे देख के चला करो, गिर जाती हो। बेइज्जती? अरे बेइज्जती कहाँ जा रही हो? देख के क्या स्पीड में चल रहा है, पत्थर पे दिखाई नहीं। ओहो तो अनी जो है आज गिर गई है भाई, ये ऊपर एक्चुअली देख के चलती हैं ऐसे, सामने नीचे देख के चलो। तो इसमें गिरने में क्या बेइज्जती है यार, अच्छे अच्छे लोग गिर जाते हैं। पता है अमेरिका के जो प्रेसिडेंट है वो एक बार फिसल गए थे ऊपर चढ़ रहे थे प्लेन पे। और क्या, आप तो कोई चीज नहीं है, छोटी सी चीज हो। चलो कोई नहीं, सही हो जाएगा। तो 9:30 बज गए और मैंने बैग वगैरह अपना सारा रेडी कर लिया है। शनाया जा रही नहाने। बाय बेटू, बाय। तो शनाया नहाएंगी, तब तक मैं नीचे जा रहा हूँ। फटाफट जो है लंच ब्रेकफास्ट जो भी है फटाफट करते हैं और जल्दी से निकलते हैं। जिस दिन कोर्ट जाना होता उस दिन जो है अपना लंच काफ़ी जल्दी हो जाता, तो दाल आलू चपाती और एक्चुअली आज मैं ये वाली गाड़ी ले जा रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है थोड़ा एसेसरी वगैरह का काम होना तो हरदोई में जो है सही हो जाता है, तो इसलिए जो है पापा सर, जाओ पापा सर। जा, नहीं जाना है। अरे इधर मैं स्कूटी में बुआ ले जाए, यहाँ बैठ पापा जाते। अरे वाह, सनाया एक्चुअली इन्हें जाना है स्कूटी से तो इसलिए जो है पापा जी के साथ नहीं आना चाह रही। आई नो आई नो आई नो। और आजकल गर्मी कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है, अभी 4-5 दिन पहले तो अच्छा सा मौसम था बट अब फिर जो है पूरा माहौल ख़राब हो गया। आज जो है पूरे शहर में काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है और इधर सड़क के जो है चारों तरफ जो है पूरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, पता नहीं कहाँ सामान जा रहा है। आई थिंक जो है पास में ही रिलायंस का पावर प्लांट है, मे बी वहाँ ये जो है सारे ट्रक्स वगैरह जा रहे हैं। अरे भाई निकल जाने दो,
10:15 हो गए भाई, 11:15 बजे से पहले पहुंचने का कोई सीन नहीं है। तो मैंने जो है एक एप्पल की वॉच ऑर्डर किया है, लेटेस्ट वॉच है। तो अभी डिलीवरी बॉय की कॉल भी आई थी, बट वहाँ पे कोई रिसीव करने वाला था नहीं हरदोई में। मैंने उनका कॉन्टैक्ट नंबर ले लिया है, मैंने कहा जब मैं हरदोई पहुँचूंगा तो कॉल कर देता हूँ, तब उनसे जो है रिसीव कर लेंगे। काफ़ी दिनों से मैं प्लानिंग कर रहा था आईफोन के लिए और साथ में एप्पल वॉच के लिए। तो आईफोन तो एक्चुअली जो मुझे कलर चाहिए वो इस समय अवेलेबल नहीं है, और लखनऊ या बरेली जाने का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा है। तो जैसे ही ऑनलाइन आ जाएगा मैं जो है उसे ऑर्डर कर दूंगा, बट एप्पल वॉच आज जो है रिसीव कर लूँगा पहुँच के। एक्चुअली पहले तो आईफोन लेना चाहिए था, उसके बाद में एप्पल वॉच, क्योंकि वो उसी के साथ में जो है कनेक्ट होके सही से वर्क कर पाएगी। बट सीन था ये है कि मुझे एक अच्छी डील मिल रही थी, इस वजह से जो है मैंने उसे ऑर्डर कर दिया। कितने रुपए की मिली ये सब जो है अनबॉक्सिंग करेंगे, उस समय जो है दिखाएंगे पूरा। तो एप्पल वॉच और आईफोन आ जाएगा तो उसके बाद में मेरे पास एप्पल के ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट्स हो जाएंगे, सिर्फ जो है आईपैड छोड़ के। आईपैड की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैकबुक से जो है सारा काम हो जाता है। तो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी जो है मिल जाएंगी। और मैकबुक ख़रीदा था वो भी मैंने एक अच्छी डील में ख़रीदा था, उसके साथ में मुझे एयरपॉड्स जो है फ्री मिल गए। तो मुझे लग रहा है कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ख़रीदो महंगा तो फिर जो है डील वगैरह अगर मिल जाए तो काफ़ी सही रहता है, बस उसके लिए थोड़ा सा प्लानिंग और थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। तो अभी मैं जस्ट जो है कोर्ट से आया हूँ और 4:30 हो गए, भूख काफ़ी तेज़ लगी है। और अभी चाय के लिए दूध आ रहा है, दूध और ब्रेड, तो कुछ सैंडविच वगैरह बनाते हैं। हमेशा तो मैं क्या करता हूँ कि जो है स्नैक्स वगैरह कुछ लेके जाता हूँ पैक करके, तो आराम से खाते तो भूख नहीं लगती है। बट आज एक्चुअली घर से आए थे तो कुछ जल्दबाजी में ऐसा सीन नहीं हो पाया, तो अभी कुछ खाएंगे तब जाके थोड़ा सा जो है एनर्जी आएगी। बिल्कुल भी बॉडी में जो है दम नहीं रहे क्योंकि खाना सुबह काफ़ी कम खा के आया, बीच में कुछ भी नहीं खाया, चाय तक नहीं। तो रहे बॉक्सेस जो कि मैंने यहाँ पे रख दिए हैं, और इसके अंदर आई थिंक बैंड होगा, और इसके अंदर भी जो है एप्पल वॉच से ही रिलेटेड सामान है। तो इसे रखते हैं साइड में, और इस वाले बॉक्स के अंदर है एप्पल वॉच। सबसे पहले जो है एप्पल वॉच को ही खोल के देखते हैं, बाकी सील वगैरह जो है सब सही लगी, एक्चुअली महंगा आइटम है ना। तो इसके अंदर भी दूसरा बॉक्स है, काफी अच्छी तरीके से इसे रैप किया गया है। और फाइनली अपनी एप्पल वॉच बाहर आती है। एप्पल का कोई प्रोडक्ट आता है ना तो चेहरे पे जो है एक अलग ही खुशी होती है। और मैंने एप्पल वॉच तो ले ली है, बट इसके लिए जो है आईफोन ज़रूरी है, तो आईफोन अभी जल्दी मंगवा लेंगे। बट जो जो चाहिए था वो मंगवा रहे हैं, तब तक आईफोन भी आ जाएगा जल्दी। तो इसे यहाँ से ओपन करना है, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है, और बिल है ये। तो ये मुझे कितने की पड़ी ये अभी लास्ट में बताते हैं आपको। बस इसे कुछ नहीं करना है, इस तरीके से पुल करना है। पैकिंग एकदम मस्त होती है, जबरदस्त वाली। तो इसके अंदर है एप्पल वॉच, इसे रखते हैं साइड में, और इसके अंदर है बैंड। बैंड आई थिंक एक या दो होंगे। तो सबसे पहले जो है वॉच को बाहर निकालता है। ग्रेट, तो यह है अपनी वॉच, से बाहर निकालते हैं, पास से दिखाता हूँ आपको। वाओ, एक्चुअली 40 mm साइज है, तो मेरी कलाई बहुत ज़्यादा मोटी है नहीं, तो इसलिए जो है मैंने 40 mm जो है प्रेफर किया है। बाकी एक 44 mm भी आता है इसका। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भाई थोड़े बहुत डॉक्यूमेंटेशन, आई थिंक एप्पल स्टिकर भी होना चाहिए, एप्पल स्टिकर नहीं है बट। और ये है इसका चार्जर, मैग्नेटिक चार्जर है, इस तरीके से जो लगाना है बस चार्ज हो जाएगा। इसके अंदर है ब्लैक स्पोर्ट बैंड है, तो इसके अंदर दो बैंड हैं, एक बड़े साइज का है और ये है स्मॉल।
चलो जो बैंड जरूरत होगा वो लगा लें। तो इसे जो है ऑन करके देखते हैं, अपनी एप्पल वॉच ऑन हो गई है। तो इसे मैं पूरा सेटअप कर लेता हूँ। एक्चुअली आई डोंट नो कि सेटअप हो पाएगा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसके लिए आईफोन चाहिए। और इसमें मैं आपको बैंड लगा के दिखाता हूँ कि बैंड लगाने के बाद एक कैसी दिखेगी। अभी इसमें लो बैटरी दिखा रहा है, तो इसे बैंड को जो है बस कुछ नहीं करना है, सीधे इसके अंदर जो है ऐसे डालना है, बस हो गया। दैट्स इट। और इसे जो है निकालना है अगर, तो यहाँ पे जो है हल्के से बटन लगे होते हैं, इन्हें आपको बस प्रेस करना है और बाहर निकल जाएगा। काफ़ी मस्त लग रही है। बाहर दिखाते हैं अपनी एप्पल वॉच, सच में काफ़ी प्रीमियम लग रही है। और ये मुझे पड़ी है, मे बी अगर दिख पा रहा हो, 19,900 रुपये की। और इस वाली का जो है वैसे प्राइस है 30,000। एक तो अमेजोन पर सेल चल रही थी, ऊपर से मैंने कार्ड HDFC का यूज़ किया, तो उस वजह से जो है मुझे काफ़ी चीप पड़ गई, 10,000 रुपये जो है कम में पड़ गई। और एप्पल वॉच है तो महंगी ही होगी, मतलब 1,000-2,000 रुपये की तो मिलेगी नहीं, 20,000 रुपये के हिसाब से काफ़ी अच्छी डील है। तो बाकी और एक दो बॉक्स बचे हैं, वो भी खोल के दिखा देते हैं साथ में। तो ये जो है एक बैंड है, स्पोर्ट बैंड, एक ही वाला है साथ में, एक और है। क्वालिटी चेक कर लेते हैं, सही है, थोड़ा सा चीप लग रहा है, क्योंकि ओरिजिनल इसका बैंड है वो है 8,000 का, तो ये तो काफ़ी सस्ता मिल गया, आई थिंक ऐसे मिल गया 200-300 रुपये का है, तो ये फिर उसी हिसाब से होगा। एक और बॉक्स बचा है, इसे भी खोल के देखते हैं। ये जो है एयरपॉड्स का केस है, एक और ये बचा है, ये है जो है एप्पल वॉच का केस समझ लो, क्योंकि जैसे हम लोग कहीं इधर दीवार से निकले तो कहीं ये जो है इसमें टच होने से स्क्रैच आने का डर रहता है, तो ये केस लगा लो तो कोई दिक्कत नहीं। एक केस है, काफ़ी अच्छा है, रबर का है, तो इसे भी जो है अभी लगा लेता हूँ मैं। तो अपना ब्रेकफास्ट जो है रेडी हो गया, चाय और सैंडविच, तो ये बाहर बैठ के जो है खाएंगे। नीचे शोर काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, इसे फटाफट फिनिश करते हैं और उसके बाद में फिर मिलेंगे थोड़ी देर में। तो फिलहाल टाइम कितना हो गया, ओहो अभी एप्पल वॉच में टाइम नहीं आ रहा है क्योंकि आईफोन नहीं है। चलो कहीं फ़ोन से दिखा देते हैं, बाद में इसी से जो है टाइम दिखाया करेंगे। 8 बजने हुए हैं, बस 1 मिनट कम है, और इधर अपना जो है डिनर आ गया है, आलू गोभी और चपाती। तो अभी तो जो है ये बोल रहा है कि आईफोन को पास में लाओ तो मैं पेयर कर लूँ, बट क्या करें, तब तक इसे चार्जिंग में ही लगा देते हैं। और एप्पल वॉच आ जाने से ना मुझे आईफोन की इतनी ज़्यादा वो हो गई कि जितना जल्दी हो सके आईफोन मेरे पास आ जाए, बट अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि जो है ऑनलाइन आ जाए या फिर मैं लखनऊ जाऊँ या बरेली जाऊँ, जहाँ भी जाऊँ तभी जो है आईफोन आ पाएगा। तो फिलहाल जो है फटाफट डिनर करते हैं, और अभी कुछ फ़ोन कॉल्स वगैरह करनी है, तो मैं जाऊँगा छत पे वॉक करने के लिए, वहीं पे जो है फ़ोन कॉल्स वगैरह अटेंड करूँगा। और मैं सोच रहा हूँ आज वाला ब्लॉग यहीं एंड कर देता हूँ। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। बस दोस्तों जल्दी मिलते एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।